जिस चीज के लिए हम तरसते हैं वो एक होता है समथिंग, जैसे आप बोल रहे हो, एक अच्छा रिस्पांस, लोगों ने तारीफ करना। जानते हैं कि ये एक कमर्शियल फिल्म जैसी फिल्म नहीं है, इट इज अबाउट रियल बेस्ड सिनेमा एंड इट्स अ सिनेमा वेयर आई वुड लाइक टू ब्रिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड ब्रिंग इट एंड टेल देम अबाउट इट। जब ये कहानी मुझे मेरे डायरेक्टर टीनू ने सुनाई थी, मुझे तब से ही अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि किसी ने भी कोल माइनिंग के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चलता है, कभी किसी ने फिल्म ज़्यादा बनाई नहीं थी। एक फिल्म आई थी काला पत्थर, और कमाल की बात है, ये सच्ची कहानी है, एक अच्छाई और सच्चाई के बारे में। एंड फिर मेरी कर ले हाँ। मेरी इन्होंने जसवंत सिंह गिल साहब से बात भी करवाई थी, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा था कि वैसे तो काफी बातें की, फिर उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तू सरदार बन के ही करना, पग जरूर पहनना। सर आंखों पे वो बात वैसे ही किया। मैं नहीं जानता, बहुत कम इंसानों को जानता हूं जिनके अंदर ये बहादुरी होगी कि जानते हुए कि इट्स अ श्योर श्योर शॉट डेथ, द पर्सन डिसाइड्स टू गो 350 फीट डाउन, जहां पानी का इतना बौछार है और जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी को जानता हूं जो कहेगा कि नहीं, मैं उनको बचाने जाता हूं और खुद चले गए नीचे। मैं हाल ही में एक अभी अंदर कुछ प्रेस वालों से बात कर रहा था, मैंने किसी को भी ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप अपने आप को कबर्ड में 15 मिनट बंद कर सकते हैं, तो जवाब नहीं आता है। इन लोगों की लाइफ ये 12-12 घंटे अंदर और फिर एक कैप्सूल के अंदर ऊपर से नीचे आना, एक लिफ्ट के अंदर करीबन ना करीबन 50 से लेके 60 लोग ऊपर से नीचे आते हैं। एंड जैसे आप बता रहे थे, बताइए वो कोल माइन की लाइफ कितनी होती है, माइनर्स की। सो बेसिकली माइनर्स जो है जो नीचे जाते हैं काम करने के लिए, अब तो उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी, बट देयर वाज अ टाइम, बहुत हुआ तो 15 या 20 साल में आपका करियर खत्म हो जाता था, क्योंकि नीचे जो फ्यूम्स हैं वो तो है ही है, साथ में कोल्ड डस्ट जो है वो द काइंड ऑफ डिजीजेस यू गेट, आपकी लाइफ बहुत छोटी लाइफ है। मतलब 35-40 के अंदर, 45 के अंदर सब खत्म। व्हेन आई हर्ड दिस सब्जेक्ट आई वॉन्टेड टू नो, इन्होंने मुझे काफी नॉलेज दी उसके बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता। मैं जानता हूं एयरलिफ्ट जब बनाई थी तो मीडिया को बहुत कम पता था कि 1,70,000 लोगों को बचा के लेके आए थे। तो ये ऐसी कहानियां लाने मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। पैडमैन के बारे में मैंने सैनिटरी पैड पे फिल्म बनाई थी, शौचालय पे फिल्म बनाई थी, मुझे अच्छा लगता है ये फिल्में लाना। जानता हूं इसकी कमर्शियल वैल्यूज जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, एक सिंह इज किंग जितनी जैसी नहीं होती, एक राउडी राठौर या एक पठान या जवान जैसी फिल्म नहीं होती, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इट इज अबाउट नॉलेज, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। जब ओ माई गॉड की थी सेक्स एडुकेशन के ऊपर, इट इज अबाउट पीपल नोइंग अबाउट इट। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट वॉट मनी कैन गिव मी, थिंग्स आर ऑल्सो वॉट आई कैन गिव टू सोसाइटी। सो दैट इज वॉट आई मेड दिस फिल्म एंड आई वर्क इन दिस फिल्म। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस मैन हु ब्रॉट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इन फ्रंट। एंड आज मैं वही कह रहा था कि आज हमें 4 स्टार मिल रहे हैं, 4.5 स्टार मिल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 4 स्टार वो टीनू को मिल रहा है और आधे स्टार हम स्टार कास्ट वालों को मिल रहा है। तो ये है, तो दैट इज बेटर लेना है लो, नहीं तो